Oh, I know that you'll go, my lover, become yours. My dreams, like dreams. Assalamu alaikum, welcome to Cooking Me and My Art channel. मैंने आज बनाया है देसी मोरख कढ़ाई। तो मैंने सबसे पहले इसे बॉयल करने के लिए रखा था क्योंकि ये देसी मोरख था। तो मैंने 40 से 50 मिनट इसे दिए। अब ये बॉयल हो चुका है, अब हम इसका मसाला बनाएंगे। अब हमने इसमें ऑयल डाला, ऑयल डालने के बाद हम प्याज डाल रहे हैं। एक अदर प्याज डाला, प्याज डालने के बाद हम प्याज ब्राउन करेंगे, गोल्डन ब्राउन करेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। वन बाउल हमने लिए दही ऐड किया, हल्दी, नमक, सुर्ख मिर्च, धनिया, अदरक लहसुन ये डाल देंगे हम। ये डालने के बाद हम मिक्स करेंगे हल्की आंच पे। करने के बाद हमने जो बॉयल किया था वो चिकन डाल देंगे। चिकन डालने के बाद अब हम इसे इस तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा 1 कप हम इसमें वाटर ऐड करेंगे, और वाटर ऐड करने के बाद हम इसे फिर से भून लेंगे। अच्छी तरह हम इसे भूनेंगे। और जिस पानी में हमने बॉयल किया था चिकन, वही वाला पानी जो अब यखनी बन चुका है, वही हम इसमें डालेंगे। हम इसे दोबारा कवर करके रख देंगे। जब ये पानी सूख जाएगा दोबारा से हम इसे भून लेंगे, और हमारा देसी मुर्ग कढ़ाई तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं अब हमने इसे भून लिया है, इसका पानी सूखने वाला है। तो बस हमारा ये तैयार होने वाला है चिकन कढ़ाई, देसी मुर्ग तैयार होने वाला है। फिर हम आपको दिखाते हैं कैसा बना है हमारा। देख सकते हैं हमारा देसी मुर्ग कढ़ाई तैयार हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। और आप हमें शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा काइंडली, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।